राजस्थान का अपना एक समृद्ध इतिहास है जो इसे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाता है। यहाँ के किले और महल पर्यटकों को अपनी ओर बेहद आकर्षित करते हैं। वैसे तो जयपुर से लेकर जैसलमेर तक आमेर का किला लोगों के बीच काफी मशहूर है, लेकिन उनमें से कुंभलगढ़ के किले का एक अलग ही महत्व है। इस किले की खासियत इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। यह राजस्थान के हिल फाउंटेन में शामिल एक विश्व धरोहर स्थल है। 15वीं शताब्दी के दौरान राणा कुंभा द्वारा निर्मित इस किले की दीवार को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार का दर्जा प्राप्त है। आपने चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना होगा, लेकिन कुंभलगढ़ को भारत की महान दीवार कहा जाता है। उदयपुर के जंगल से 80 किलोमीटर उत्तर में स्थित कुंभलगढ़ किला चित्तौड़गढ़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। अरावली पर्वतमाला पर समुद्र तल से 1100 मीटर 3600 फीट की पहाड़ी की चोटी पर निर्मित कुंभलगढ़ के किले में परिधि की दीवारें हैं जो 36 किलोमीटर 22 मील तक फैली हुई हैं और 15 फीट चौड़ी है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में से एक बनाती है। अरावली रेंज में फैला कुंभलगढ़ किला मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा महाराणा प्रताप का जन्मस्थान है। यही कारण है कि इस किले के दिलों में राजपूतों का विशेष स्थान है। 2013 में विश्व विरासत समिति के 37वें सत्र में किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। किला 7 विशाल द्वारों के साथ बनाया गया है। इस भव्य किले के अंदर की मुख्य इमारतें बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और मम्मदेव मंदिर हैं। कुंभलगढ़ किला परिसर में लगभग 360 मंदिर हैं, जिनमें से 300 जैन मंदिर हैं और बाकी हिंदू हैं। इस किले की एक विशेषता यह भी है कि यह भव्य किला वास्तव में कभी युद्ध में नहीं जीता गया था। हालांकि इसे केवल एक बार मुगल सेना ने धोखे से पकड़ लिया था, जब उन्होंने किले की जल आपूर्ति में जहर मिला दिया था। मुख्य किले तक पहुंचने के लिए आपको एक खड़ी रैंप जैसे पथ पर चढ़ने की आवश्यकता है। किले के अंदर बने कमरों के साथ अलग अलग खंड हैं और उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये थी जानकारी राणा कुंभा के बनाए कुंभलगढ़ किले की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।